फाइनली वी आर रेडी और मम्मी ये लोग घर पे ही है अभी, वो लोग आ गए घूम के। बाय बाय। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो फाइनली हम लोगों को मिल गए हैं हमारे टिकट्स। तो ये चेक वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैमरास और ये सब निकाल के तो रखा है। 2:45 हुए। बेसिकली सीन ये हुआ कि हम लोगों का जो फ्लाइट था वो था 9 तारीख का, अनफॉर्चुनेटली प्रीपोन हो गया। वो हो गया 8 तारीख का। 8 तारीख को सुबह 4:30 बजे फिर हुआ पोस्टपोन 1 घंटा, which was 5:30। थोड़ी देर पहले और एक मैसेज आ गया, इसमें और 1 घंटा पोस्टपोन हो गया, 6:30 बजे अभी हम डिले पे डिले हो रहा है। आज पूरी चली गई है इसमें, इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप ऐसी वाली फ्लाइट नाम बुक करें। 4 साल काम किया लड़की ने एरोप्लेन्स में, लेकिन फिर भी उसको एरोप्लेन देखने। यहाँ पे जो टोटल गेट्स है वो है 86 और हमारा है गेट नंबर 85 लास्ट में। उधर फ्लाइट तो लेट हुई और उसके ऊपर से हम लोग को गेट नंबर भी लास्ट वाला दे दिया, 85 पे 85। लेकिन ये सेक्शन बंद क्यों है? तो भाइयों हम अभी लिलीवेटर से नीचे जा रहे हैं। वही बोली लिलीवेटर बोली। वेट कर रहे हैं और वेट करते करते बोर हो रहे हैं। बहुत थक गए। आके देखो एक सेकंड, अभी के आईज मेरे नेल की तरह रेड हो चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग शेयरिंग सीक्रेट। हम लोग जा रहे हैं अभी थाईलैंड। हम लोग 3 जगह कवर करने वाले हैं, चियांग राय, चियांग माई और बैंकॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कैश एक्सचेंज करवाना है ना तो आप इंडिया से ही करवा के ले लो। एयरपोर्ट पे जो रेट्स है कैश के वो काफी ज्यादा हाई मिलेंगे आपको। यहाँ पे है इमिग्रेशन, बैगेज क्लेम और अराइवल्स। वीजा एंड अराइवल यहाँ पर है। ये ई वीजा का है, इसीलिए यहाँ पे गर्दी बिल्कुल नहीं है, तो आपको यही करना है। देखो ये साइड में आपको फॉर्म फिल करने का सेक्शन मिलेगा, मेरे पास है पेन। देखो वीजा का प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ लगेगा एक आपका पासपोर्ट फोटो, ग्लू और पेन। लेकिन अभी फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज मई तक वीजा फ्री है। Within 5 minutes हमारा वीजा हमें मिल गया। बिल्कुल भी गर्दी नहीं थी, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो गाइस अभी हम लोगों ने लिया है ये वाला प्लान 15 डेज अनलिमिटेड वाला। तो अभी और एक चीज ध्यान में रखना कि आप एयरपोर्ट के पूरा बाहर निकल के सिम कार्ड ले लो। यहाँ पे जो सिम कार्ड का प्राइस है ना वो थोड़ा सा वेरिएशन है, तो आपके 100-150 बात जो है वो बच जाएंगे। तो चलो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बाहर और यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस आपको मिलेंगे। सुखुमवित 11 हमें जाना है। हम आए हैं टैक्सी बाय मीटर के यहाँ पर, देखते हैं कितना कॉस्ट बोलते हैं ये लोग। बस देखो यहाँ पे आप टैक्सी डायरेक्टली नहीं हायर कर सकते हो, आपको ये वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। टैक्सी का आपको लेना पड़ेगा कूपन पे होगा नंबर और उस नंबर वाली टैक्सी पे आपको जाना। टैक्सी मीटर वाइज ही चलती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विसेज है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, उन्होंने हमें अप्रोक्सीमेटली 700 बात बोला। द रोड्स आर जस्ट अमेजिंग ओवर हियर एंड अभी फिलहाल जो क्लाइमेट हो रखा है ना That is just perfect for our trip. जब आप ऐसी जगहों पे आते हो ना तो सबसे पहले आपको थोड़े बहुत लोकल वर्ड सीखना जरूरी है। सो अभी हम लोगों ने कुछ सीखे है, मैं थोड़ी देर में मारने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशर्स है। This is so cute. It's good. तो ये देखिए ये हमें प्रीमियर फ्लोर उन्होंने लकीली दिया। मुझे 30 hours से ज्यादा हुआ है सोकर, तो आई एम डेड टायर्ड। ये होटल के सभी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और क्या अमेजिंग और कोजी स्टे था हमारा, वो भी सिर्फ 4000 के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सिटी सेंटर में है। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा खाने के लिए बिकॉज बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अब तुम्हारे भाई को व्लॉगर तो बनना है लेकिन कभी कभी कैमरा टाइम लैप्स पे रख के भूल जाता है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं 7-Eleven। जैसे हम लोगों के यहाँ पे वेलनेस 24 hours होता है, वैसे यहाँ पे 7-Eleven होता है। वहाँ पे आपको खाने के लिए वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इट्स जनरल स्टोर, वो बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको सैंडविचेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आराम से। ये देखिए फ्रूट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे लेज, सारे अलग अलग टाइप के लेज है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा बिल है वो हुआ है 145 का और सैंडविच यहीं पे वो लोग गर्म करके देने वाले। थोड़ा सा मैंने चिकन नूडल्स लिया हुआ है, वो ट्राई करना है। ये जो 7-Eleven जैसे मैंने आपको बताया ना ये काफ़ी अफोर्डेबल पड़ सकता है आपको। फर्स्ट सेकंड डे माय सजेशन वुड बी कि आप बहुत ज़्यादा हैवी फूड के साथ मत जाओ, रादर यू कैन गो टू 7-Eleven, ग्रैब समथिंग टू ईट, कीप योर स्टमक लाइट। बारबेक्यू फिश बेवक्त बारिश, so soft. just melted in my mouth. तो अभी स्मृति थोड़ा सा रूम पे आराम कर रही है, तब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करने के लिए आया हूँ। बट ये भाई बैंकॉक वाला जो ट्रैफिक होता है ना, ट्रस्ट मी, लुक एट दिस। और बस इसी के साथ खत्म हुआ हमारा डे नंबर 1 इन बैंकॉक। भाई असली ट्रिप तो डे नंबर 2 से स्टार्ट होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।